हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स पीजी, कैसे हो सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। यार, काफी सारे स्टूडेंट की काफी ज्यादा क्वारी जा रही है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन सेंटर्स, एंड ये एक बहुत बड़ा ग्लिच भी है। आप सभी को पता होगा कि यार, हम एनटीए को कुछ कहना भी नहीं चाहे ना, तो भी मैं कहूंगा कि आप कुछ ना कहो, ठीक है? कुछ भी मत डालना बेचारी के बारे में, ठीक है? जस्ट ऐसा मान लो कि मतलब कि हम मरे हुए मुर्दों से बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा सारा सीन है। एनटीए की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो जेई मेन एग्जाम हो, चाहे वो सीयूईटी एग्जाम हो, चाहे वो डॉट 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 एन एग्जाम हो, आई थिंक ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, ठीक है, इन दिस हमारा जो सिनेरियो है, स्पेशली सीयूईटी हो, जेई मेन हो, कि उसको जो है ठीक से कंडक्ट कर दिया हो एनटीए ने। बेसिकली यार, मतलब मैं बहुत ज्यादा दुखी भी हूँ कि हमारे पास इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऑफिसर्स, जैसे कि एनटीए को जो हैंडल कर रहे हैं, डिसीजन आईएएस ऑफिसर तक जो है डायरेक्टर्स हैं इनके, और इनके पास किस चीज की कमी रह गई? इनके पास टेक टीम है, इतनी खतरनाक टेक टीम है, ठीक है, हायरिंग जो ये लोग करते हैं, चाहे इनके सॉफ्टवेयर हो, हमारे जो इंडिया के जितने अच्छे कॉलेजेज है जहाँ पे जो कंप्यूटर्स है, चाहे वो इंटरनेट हो, सब कुछ अच्छी फैसिलिटी है इनके पास। हम जो है हमसे पैसे भी खूब चार्ज करते हैं ये लोग, 800, 900, 1000, ठीक है, एंड बहुत सारी काउंसलिंग में तो 2000 तक भी एनटीए चार्ज करता है हमसे, स्पेशली आप ई काउंसलिंग पे जाके चेक करते हैं तो पैसे भी खूब ले रहे हैं ये लोग, वो कोई इश्यू है नहीं। लेकिन एनटीए ने जो है सीयूईटी के रिगार्डिंग पहले मैं सेपरेट ये कहा था कि आपको जो है कोई भी इश्यू अगर होता है तो करेक्शन के लिए पोर्टल खोला जाएगा, ओके, और इतने सालों में, जितने सालों में भी होता है, करेक्शन के लिए पोर्टल खोला जाता है, सीयूईटी हो, चाहे वो जेई मेन हो, चाहे कुछ भी हो, ओके। सो क्या हुआ था यार, पहले तो थोड़ा कोविड रीजन था और काफी सारे स्टूडेंट जो है, कौन सा महीना चल रहा था, आई थिंक जून था, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके समर वेकेशन चल रहे थे और ऑलमोस्ट जो एग्जाम हो वो जून के अंदर ही कंडक्ट होने वाला था, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि थर्ड वीक ऑफ जून में कंडक्ट हो जाएगा या फिर सेकेंड वीक, जो भी था, अप्लीकेशन फॉर्म काफी लेट हुआ था वैसे स्टार्ट। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि अपने घरों पर थे और उन लोगों ने जो है अपना फ्यूचर का ना देख के, अपने घर के आसपास जो भी उनका सेंटर था, जो भी डिस्ट्रिक्ट था, स्पेशली जो बच्चे बिहार में रह रहे थे, उन्होंने जो अपना स्टेट बिहार सेलेक्ट कर लिया था और जो भी अपनी आसपास की नियरेस्ट सिटी जो है सेलेक्ट कर दी थी, अप्लीकेशन फॉर्म लगातार जो एक्सटेंड होता गया होता गया होता गया होता गया, ओके, और लास्ट जो है पिछले 20 तारीख जो 21 से 22 तारीख को जो है करेक्शन विंडो खुला और तब जाके जो है फॉर्म क्लोज हुआ है। अब बेसिकली इश्यू क्या आया, जब बच्चों को पता चला कि भैया आपके जो एग्जामिनेशन है वो होने वाले हैं सितंबर अगस्त, यानी कि अगस्त का लग रहा था हमें कि जो लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक हो जाएगा, बेसिकली जो अभी सितंबर का ये लोग बोल रहे हैं, ऑफिशियल कोई भी नोटिस आया है नहीं, ठीक है, अभी तक तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या सीन होने वाला है, क्योंकि जो एनटीए जो कहता है वो ऐसा कभी नहीं होता है, आप इसका एक चीज बिल्कुल ध्यान रखें, जो कहता है वो कभी नहीं होता है। अब देखते हैं उसका जो भी डेट दी है वो सच में होती है या नहीं, अभी भी मुझे विश्वास नहीं है, जब तक मैं नोटिस नहीं देख लेता तब तक तो आई थिंक दिस इज ये पॉसिबल नहीं है कि विश्वास कर सकें इस सिनेरियो में, स्पेशली एनटीए पे, ओके। अब यार बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट है जिस मंथ में जून के अंदर घर पे रह रहे थे, उनका यही क्वेश्चन था कि भैया हम जो अगस्त में दूसरी जगह पर रहेंगे, सितंबर में दूसरी जगह पर रहेंगे, तो क्या करेक्शन का विंडो खुलेगा? मेरे पास यार सबसे ज्यादा जो ईमेल और व्हाट्सएप पे मैसेजेस जो आ रखे हैं वो यही आ रखे हैं रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन सेंटर, और जो लास्ट इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, हमने हर बच्चे को यही कहा था कि भैया इतने साल से खुलता आया तो इस बार भी खुलेगा, लेकिन 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 ऐसा नहीं हुआ। एनटीए ने जो है पूरा करेक्शन विंडो खोला, एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन, यूनिवर्सिटियों में करेक्शन, ओके, अब हद होती है यार किसी भी चीज की। एनटीए जो है लास्ट 25 तारीख तक जो है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों को ऐड किया था, जैसा कि आप देख सकते हो, जिस बच्चे ने फॉर्म जो है 15 तारीख को, 20 तारीख को, 22 तारीख को फिल कर दिया हो, ठीक है, पिछले महीने की 20 तारीख से मान लो फॉर्म स्टार्ट हुआ हो, 25 तारीख को बच्चे ने फॉर्म फिल कर दिया हो जून के, ठीक है, अब जो है आप देख सकते हो एनटीए का ये पोर्टल है और यहाँ पे लास्ट नोटिस कब आ रखा है ये देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। मैं यार फेस वीडियो नहीं शूट कर पा रहा बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टूडियो एंड आउट ऑफ स्टेशन, सो सम ट्रेनिंग इंटर्नशिप इश्यूज आई क्रिएटिंग दिस वीडियो, सो आई होप मैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज नहीं डाल रहा, एंड काफ़ी सारे ऐसे बहुत सारे इश्यूज भी चल रहे हैं रिगार्डिंग द
जो भी हम कॉलेज रियलिटी शो चला रहे थे उसका भी काफी सारा बड़ा बड़ा कंसर्न चल रहा रिगार्डिंग द कॉलेजेस। बहुत सारे परेशान करते हैं कि भैया हम अच्छे कॉलेज हैं, हम हैं तो तुम हो, ठीक है, जो मुन्ना भैया वाला डायलॉग देते हैं बहुत सारे कॉलेज वाले कि हम हैं तो तुम हो, हमारे बारे में कुछ गलत ना बोले तो ही अच्छा होगा, स्पेशली सेहत के लिए। तो सोच सकते हो स्पेशली प्राइवेट का ध्यान रखना, हमारा भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप समझ लो कॉलेज वाले डायरेक्ट बोलते हैं कि हम हैं तो तुम हो, ठीक है, मिर्जाफर स्टाइल में, स्पेशली यूपी के जो कॉलेजेज हैं। तो यार जो है ये आप नोटिस यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ये यहाँ पे तो एक्सटेंड के लिए आया ना, यहाँ पे कुछ कॉलेजेज ऐसी है जो कि बाद में ऐड की गई है, ऐसे बहुत सारे नोटिस है जो 1 महीने पहले जिस बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया था, एंड कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था, उसके जस्ट 1 महीने बाद एक नया कॉलेज ऐड होता है, दो नए कॉलेज नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच प्लस कॉलेजेज ऐड होते हैं। उसका क्या मीन निकलता है, जो बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता है उसके बाद भी यूनिवर्सिटी ऐड कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, मैं कुछ गलत सही नहीं बोल रहा, मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। हो सकता है कल को एनटीए मेरे ऊपर फिर से केस फाइल कर दे, FIR, कि हमारे ब्रांड को डैमेज किया आपने, ठीक है। तो भैया मैं तो जो है मेरे को दिख रहा है वो बोल रहा हूँ, ठीक है, एनटीए काफी अच्छी एजेंसी है एंड जो हमारे देश के लिए काम करती है, ठीक है, अच्छा है, ओके। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि उन बच्चों का क्या होगा, स्पेशली जो गर्ल्स स्टूडेंट है फ्रॉम द बिहार, फ्रॉम द तमिलनाडु, फ्रॉम द तेलंगाना, जो कि दिल्ली में रह रहे हैं, जो कि जयपुर में रह रहे हैं, उन्होंने जो सेंटर जो चूज किया था वो है अभी तेलंगाना में, तमिलनाडु में। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट है जो कि दिल्ली के थे, दिल्ली में रहते थे, दिल्ली का जो है सेंटर चूज किया था, अभी जो है तमिलनाडु के अंदर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि नैनीताल के थे, अभी सूरत के अंदर रह रहे हैं, तो क्या वो स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है, जिनके पेरेंट्स उनको छोड़ने जाते हैं, उनका साथ में जो है कोई कॉलेजों में छोड़ने जाते हैं, क्या वो उस प्रकार से जिस प्रकार से देना चाहिए था एग्जामिनेशन, क्या वो वैसा दे पाएंगे, राइट। तो जो भी यार वीडियो को वॉच कर रहा है वो जैसे इसका बिल्कुल ध्यान रखे, चाहे आपके घर में आपकी सिस्टर हो, चाहे आपका छोटा भाई हो, ठीक है। तो जस्ट यार ये जो है ये एक नॉर्मल कंसर्न है नहीं रिगार्डिंग द एनटीए, एंड इतने बड़े बड़े एनटीए के इश्यूज आ रहे हैं, तो आई थिंक जो है सभी बच्चों को ईमेल डालना चाहिए इसके रिगार्डिंग, जिस प्रकार से एक्सटेंड लगातार कर रहा है, अभी भी एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुए हैं, एग्जाम जो डेट्स है उसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तो हो सकता है इन बच्चों की हेल्प हो जाए, हो सकता है इन बच्चों के जो अगर 50 मार्क्स आ रहे थे तो 70 मार्क्स आ जाए, ठीक है, जिन बच्चों का जो है फाइनेंस इश्यू ना आए, हो सकता है इनका जो है किराया 100 रुपए में ही काम चल जाए आसपास सिटी में, ठीक है, उनको 2-3 हजार फ्लाइट का किराया ना लगाना पड़े, ओके। सो इसके लिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ एनटीए का, प्लीज सभी लोग है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो है कंसर्न जरूर डाल दिए एनटीए को कि भैया ऐसा ऐसा कंसर्न है, हो सकता है सुन ले कहीं एनटीए, ठीक है, वैसे मुझे पूरा भरोसा है एनटीए पे कि आपका कंसर्न सुने, क्योंकि जो भी रूल्स बनते हैं वो हमारे हित के लिए बनते हैं, जो भी एग्जाम हो रहा है वो हमारे हित के लिए, हमारे भविष्य के लिए है, ठीक है, जो भी बच्चे सीयूटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी बच्चे इस कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, और हर घर में फ्लैग जरूर लगाएं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और मेरे को इंस्टा पर जरूर फॉलो करें, ठीक है, थैंक यू।